तू कितनी अच्छी है, तू कितनी सच्ची है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ जिनवाणी माँ मेरी माँ, अरे हंतों के मुख गणधर ऋषि मुनियों ने है धारी, गुण पर्याय का भेद दिखाती, गुण पर्याय का भेद दिखाती, भेदों से अभेद मेले जाती। तू ही है माँ मेरी, तू कल्याणी है, महाकल्याणी है, तू शिव सुखदानी। कराती शायद वाद है तेरी निशानी, शायद वाद है तेरी निशानी, अनेकांत का मार्ग दिखाती। तू ही नित्य बोधिनी, तू कितनी सहज है, तू कितनी निर्मल है, तू भवतारिणी है। ओ माँ जिनवाणी भव्यों के पातक को हरती, संतन की चरिया में समाई, संतन की चरिया में समाई, ज्ञानी के मन को भाई मुक्ति पथ प्रदायक, तू ज्ञान की गंगा है, तू कितनी प्रेरक है, तू कितनी पावन है। आत्म में केली कर लो,
सिद्धाले को पाओ। भवोदधि नैया है तू ही खीवैया है, तू मेरी मैया है। ओ माँ ओ माँ जिन वाणी माँ मेरी माँ, ओ जिन वाणी माँ मेरी माँ। हाँ जी भैया, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सुनाई दे रही है। आप थोड़ा बोलिए, बिकॉज आपकी आवाज स्लो लग रही है। अच्छा अच्छा, अभी जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? थोड़ी स्लो है भैया आवाज, थोड़ी। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा ट्राई करूँ। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ अभी अभी ठीक है? थोड़ा सा मोबाइल पास रखिए तो आवाज क्लियर आएगी। अच्छा, या तो आपके पास हैंड्स फ्री है भैया? हैंड्स फ्री ईयरफोन? ईयरफोन है, हाँ ईयरफोन लगाइए तो और बेटर हो जाएगी। ईयरफोन लगा लेते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ भैया, हेलो। हाँ जी, जय जिनेंद्र। हाँ जय, अब बेटर है? अब ठीक है? अभी बेहतर है। यस, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी शुरू करें? हाँ भैया। अच्छा ठीक है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वाजायाणम, नमो लोई सवसाहुणम। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्या जिन शासनोन्नति करा, पूज्या उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का, मुनिवरा रत्नात्रयाराधका,
पञ्चेते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु नः मङ्गलं। देखिए आज मेरा जो विषय रखा है वो आत्मकल्याण कैसे करें, ये विषय रखा है। ये विषय बहुत अच्छा है और इस मनुष्य जीवन में इसका विचार नहीं करेंगे तो कब करेंगे। लेकिन मैं कोई इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ कि जितने बड़े विद्वानों की श्रृंखला में मुझे रखा है। इस बात के लिए मैं जो है विवेक जैन जी को बहुत ही हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझसे संपर्क किया। और मेरी भी ये भावना रहती है कि बहुत जीवन निकल गया है और जितना जीवन बचा है यदि कोई धर्म प्रचार की बात कहे तो मुंह से ना नहीं निकलनी चाहिए। खैर जैसे भी मेरे से बात बनती है वो मैं कोशिश करता हूँ। देखिए आत्म कल्याण कैसे करना बहुत ही जरूरी है, विचारणीय है, बहुत विद्वान इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये विचार किया जाए कि आत्मा किसे कहते हैं। सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि जिसमें ज्ञान चेतना हो, जिसका उपयोग को लक्षणम ऐसा कहकर आचार्य उमा स्वामी परिभाषा बनाते हैं वो आत्मा है। और उस आत्मा का कल्याण करना ही इस मनुष्य जीवन का पूरा सार्थकता है। ये मनुष्य जीवन में ही हम आत्म साधना प्रमुख रूप से कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य गति में ही या मनुष्य जीवन में ही हम आत्म साधना कर सकते हैं। आत्म साधना चारों ही गति में की जा सकती है। नरक गति की बहुत प्रतिकूल वेदनाओं में भी आत्म साधना की जा सकती है। सातवें नरक का नारकी भी आत्म साधना कर सकता है। और त्रियंचों में तो आत्म साधना से भी ऊपर यानी धर्म की शुरुआत से भी ऊपर जाया जा सकता है। देखिए नरकों में चतुर्थ गुण स्थान हो सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकते। स्वर्गों में भी चतुर्थ गुण स्थान हो सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन त्रियंचों में एक कदम और आगे बढ़ा जा सकता है। देखो बहुत सारे त्रियंच आज भी ऐसे हैं जो अपनी आत्मा को जानते हैं, अपनी ज्ञान चेतना को पहचानते हैं। और हम मनुष्य तो उन सबसे बढ़कर है कि हम तो पूरे 14 गुण स्थानों को क्रॉस करके सिद्ध बन सकते हैं, गुण स्थानातीत बन सकते हैं। ऐसा अनमोल जीवन, मनुष्य जीवन हमको जो मिला है ये बहुत अनमोल है। इसमें दाल रोटी की चिंता छोड़कर और आत्म कल्याण की ही बात करनी चाहिए, क्योंकि दाल रोटी तो स्वयं अपने आप ही मिल जाती है। दास मलू का कह गए सबके दाता राम, अकेला जैन दर्शन नहीं कहता है। सब आप देख रहे होंगे आज की परिस्थितियों ने हमें यह सिखा दिया कि मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम हैं, वो सिर्फ पेट भरने तक ही है। बाकी सब हम दिखावे के लिए करते हैं। आत्मा का दिखावा नहीं करना है, आत्मा को देखना है। धर्म का दर्शन किया जाता है, प्रदर्शन नहीं किया जाता। जो लोग प्रदर्शन करते हैं उन पर कभी कभी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसा लगता है कि क्या वो वास्तव में आत्मा को जानते हैं। दरअसल जो आत्मा को जानता है वो जगत से विमुख हो जाता है, लोकेशना से दूर हो जाता है। विमुख का मतलब लोकेशना से, यहाँ दूसरा अर्थ नहीं लेना। कहने का मतलब यह है कि जो जीव अपने आत्मानुभव को या अपने सम्यक दर्शन को या किसी अन्य चीज को बिना पूछे ही जग जाहिर करता फिरे, उस पर थोड़ा संशय खड़ा होता है। ये बात मैं जो कह रहा हूँ इसको आप किसी के साथ यदि ऐसा हुआ हो तो अन्यथा मत लीजिएगा, मैं जस्ट अपने विचार रख रहा हूँ। क्योंकि जैसा कि छेड़ालाकार ने कहा है कि ख्याति लाभ पूजा दिजा, धर्म को भुनाने का काम नहीं किया जाता, बिना मांगे नहीं बताई जाती है। जो बिना मांगे बताए वहां शंका खड़ी होती है। देखो बिना मांगे चिड़िया ने बंदर को सलाह दी थी तो क्या हाल हुआ उसका। बस उसी तरह से बिना मांगे या बिना पूछे अपने धर्म का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। प्रदर्शन करने पर क्या हाल होता है पता है?
देखो एक महिला थी, बहुत दिनों से अपने पति से कह रही थी कि मुझे पड़ोस वाली बहन के जैसे, पड़ोस वाली मतलब जो उसकी पड़ोसन थी उसके जैसे कंगन मुझे बनवा दीजिए। किसी कारण वो नहीं बनवा पा रहा था, बहुत समय से उसकी इच्छा थी। आखिरकार एक दिन उसके पति ने उसकी इच्छा पूरी की, उसको सोने के कंगन बनवा दिए। वो सोने के कंगन पहनकर बहुत खूब खुश हुई, सारे मोहल्ले भर में घूम आई, लेकिन किसी भी महिला ने उसके कंगनों की प्रशंसा नहीं की, पूछा नहीं कि ये कैसे हैं। तो क्या हुआ कि वो महिला बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई, बहुत तनाव हुआ उसे, और वो काफी परेशान होकर के गुस्से में झल्लाटते हुए और उसने अपनी झोंपड़ी में आग लगा ली। गरीब थी बेचारी, झोंपड़ी में रहती थी, बड़ी मुश्किल से उसके पति ने कोई इंतजाम किया था उसके कंगनों के लिए, लेकिन क्या करे उसने झोंपड़ी में आग लगा दी गुस्से में आकर। और झोंपड़ी में आग लगा करके अपने उस हाथ को जिसमें वो कंगन पहने हुई थी उसको ऊंचा करके और ये कह रही है कि अरे बचाओ बचाओ मेरी झोंपड़ी में आग लग गई, बचाओ बचाओ सब लोग दौड़ो दौड़ो मेरी झोंपड़ी में आग लग गई। सब लोग दौड़ने लगे, आने लगे। एक महिला को उसके हाथ में पहने हुए कंगनों पर नजर पहुंची और उसने उससे पूछा कि बहना ये कंगन कब बनवाए, बड़े अच्छे लग रहे हैं, कहाँ बनवाए, कितने रुपये के बने। ये सुनते ही उस महिला ने ये कहा कि अरे बहना ये बात तू मुझसे पहले ही पूछ लेती तो मेरी झोंपड़ी में तो आग नहीं लगानी पड़ती। क्या हुआ इसका मतलब कि हम धर्म को प्रदर्शित करने के चक्कर में अपना आत्महित भूल जा रहे हैं, अपने आत्मा को छोड़ जाते हैं, उससे विमुख हो जाते हैं। आप सुबह से शाम तक सारी गतिविधियों का एक बार पूरा कैलकुलेशन करके देखिए, निरीक्षण करके देखिए कि आप दिन भर में आत्म कल्याण के लिए कितना वक्त देते हैं और बाकी कितना कहाँ जा रहा है। आजकल सोशल मीडिया में सब लोग लगे हुए हैं, फुल लगे हैं, मैं भी लगा हूं, इसमें कितना समय जाता है और ये किसके लिए जा रहा है। इसमें बहुत सारा समय हम दूसरों को समझाने में दे रहे हैं, दूसरों के कल्याण के लिए दे रहे हैं, आत्म कल्याण को भूले चले जा रहे हैं। कितनी दुविधा की बात है, कितनी विकट बात है, ये विचित्र है। जिस मनुष्य जीवन की कीमत किसी तरह से भी नहीं हो सके, उस मनुष्य जीवन की एक एक सांस इतनी अनमोल है कि जिसका हम कैसा दुरुपयोग कर रहे हैं। कौवे को भगाने के लिए, उसको उड़ाने के लिए हम चिंतामणि रत्न को फेंके चले जा रहे हैं। देखिए बहुत चीजें जरूरी भी है जिंदगी में, लेकिन एक लिमिट तक ही उनकी तरफ ध्यान दें और बाकी हम आत्म कल्याण की ओर नजर करें। देखो हमारे तो इतिहास में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जिनके बारे में सोचते ही हमें आत्म कल्याण की प्रबल प्रेरणा मिलती है। देखिए दौलत राम जी जो सासनी में रहते थे, उत्तर प्रदेश के सासनी में, जिन्होंने छेड़ाला लिखी है, कपड़े की छपाई का काम करते थे और 8 घंटे की उनकी ड्यूटी थी, 4,000 रुपये उनकी सैलरी थी, समझो, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम एग्जाम्पल के लिए। तो वो जो बड़ा ईमानदारी से काम करते थे, न्याय नीति पूर्वक उनका जीवन था। तो एक दिन उनके जो मालिक ने उनके काम से प्रसन्न होकर देखा कि बहुत ईमानदार है, सही समय पर आते हैं, सही समय पर काम करते हैं, और उनकी ईमानदारी से खुश होकर उनको कहा कि आज से मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर देता हूँ। तुम बहुत, दूसरे लोग काम चोरी भी करते हैं, सभी काम करते हैं, वो तो काम आधा करते हैं, तुम तो डबल काम कर रहे हो, तो तुम्हारी सैलरी हम डबल कर देते हैं। तो दौलत राम जी ने पता है क्या कहा, दौलत राम जी ने कहा कि आप एक काम करिए, सैलरी डबल करने की बजाय मेरा काम के घंटे आधे कर दीजिए। यदि मैं 8 घंटे काम कर रहा हूं तो 4 घंटे काम करने के लिए मेरे को अनुमति दो, भले ही पैसे वही देते रहो, सैलरी तो वैसे भी डबल हो गई ना, जो सैलरी 8 घंटे के लिए थी वो 4 घंटे के लिए ठीक है, लेकिन इस सैलरी में मेरा काम चल जाता है, मेरा जीवन बहुत अच्छी तरीके से चल जाता है, मुझे इसके लिए ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जो बाकी के 4 घंटे बचेंगे वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उसमें अधिक अपने को समय दे पाऊंगा, अपने स्वाध्याय को समय दे पाऊंगा,
ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बताइए, ये एग्जाम्पल हमको हिला देता है। हम चाहे जितनी अच्छी नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी हो, बराबर फिक्स पेमेंट आ रही हो, तो भी आदमी ये सोचता है कि सुबह शाम का जो मेरे पास वक्त है इसमें पार्ट टाइम जॉब देख लूं तो जरा ज्यादा अच्छा हो। देखो, विचार करने की बात है, हम कहाँ जा रहे हैं और हमको कहाँ जाना चाहिए, ये बहुत विचारणीय बात है। हम आत्मकल्याण की ओर ध्यान नहीं देते ठीक से, ये बहुत चिंताजनक बात है। हम दूसरों को सुधारने की तरफ लगे हुए हैं, दूसरों को समझाने की तरफ लगे हुए हैं। यदि कोई कुछ हमें समझाए तो हम कहते हैं हाँ मुझे पता है, पता तो है लेकिन जीवन में उतारा नहीं। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सिर्फ डाटा ले रहे हैं, डाटा का कलेक्शन कर रहे हैं बस, और वो भी इसलिए कि उस डाटा को हम दूसरों तक पहुंचा सके और दूसरों को पहुंचाकर उसके लिए प्रशंसा ले सकें। ये ख्याति लाभ के चक्कर में हम पड़ गए, बड़ी विचित्र बात है। देखो, हमें अपने आत्मा की तरफ कितना ध्यान देना चाहिए इस बात के लिए, देखो जब आप दूसरे को समझा रहे होते हैं, दूसरे की ओर एक उंगली कर रहे होते हैं, ऐसा उंगली करते ना, एक उंगली, तो एक उंगली दूसरे की तरफ करते हैं तो तीन उंगलियां स्वयमेव हमारी ओर रहती है, तीन उंगलियां हमारी ओर रहती है। क्यों? ये क्या कहती है कि ये चारों उंगली यदि 25-25% ले बे तो एक उंगली दूसरे की तरफ किया तो तीन उंगली हमारी तरफ है। यानी जितना ध्यान आप दूसरे की प्रति देते हैं उससे तीन गुना ध्यान हमें अपनी ओर देना चाहिए, तीन गुना, चार गुना, जितना भी। कहने का तात्पर्य है हमें अपने बारे में बहुत विचार करने की जरूरत है। छोटे छोटे बच्चों को पाठशाला में ये सिखा देते हैं कि प्रतिदिन सुबह उठ करके अपनी आत्मा का विचार करना चाहिए। जिस तरह से हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, हम स्नान करते हैं, मलमल करके स्नान करते हैं, तो जिस तरह से शरीर की शुद्धि करते हैं उसी तरह से हमें आत्मा की भी शुद्धि करनी चाहिए। और आत्मा की शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए कि रोज सुबह उठ करके सबसे पहले ये विचार करो कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, और ये जो मेरा चरित्र बन रहा है ये कैसे बन रहा है, इस बात पर विचार करना बहुत जरूरी है। इस तरह से हम एक ना एक दिन आत्मा की ओर पहुंच जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या करें आत्मा को जानने के लिए, बहुत कोशिश करते हैं, होता नहीं आत्मा का ध्यान, कैसे देखें, कैसे करें। कुल मिलाकर आत्मा को देखना, कैसे देखें आत्मा को, क्या करें, इसके लिए बहुत चिंता की बात होती है। देखो, आत्मा तो जब देखने में आएगी तब आएगी, लेकिन अपना पुरुषार्थ चालू रखना चाहिए, क्योंकि जब काल लब्धि आए और तब यदि हम सोते रह जाएं तो क्या होगा, पांच समवाय में से एक समवाय तो दूर हो गया। तो कहने का मतलब हमको पांचों समवाय कब मिलेंगे ये तो हम नहीं जानते, हमारी तैयारी पूरी रहनी चाहिए। तो क्या करना है इसके लिए, इसके लिए निरंतर पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ करने से भी काम नहीं चलेगा, जब काल लब्धि आएगी तब होगा, ये दोनों ही चीजें बराबर बराबर मात्रा में रहनी चाहिए, न अकेला पुरुषार्थ न अकेली काल लब्धि। यदि मान लो हम काल लब्धि को ले लेवे तो काल लब्धि के भरोसे हम बैठ जाएं तो क्या होगा, क्या होगा काल लब्धि को, कि जब होना होगा तब हो जाएगा, इस वजह से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अनादि से इसी तरह से सोचते चले आ रहे हैं। और अकेले पुरुषार्थ से भी काम नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, कि देखो यदि एक किसान से ये कहा जाए कि आप पौधों में पानी ठीक से सींचेंगे तो फसल सही समय पर मिलेगी, कि कितने समय में मिलेगी, कि 2 महीने में मिलेगी, कि 2 महीने का मतलब 60 दिन तक मुझे फसल को सींचना पड़ेगा, 60 दिन का मतलब एक एक घड़े पानी में रोज डालूंगा तो 60 घड़े पानी में उस फसल में डालूंगा, तो मैं एक काम करता हूँ आज ही पूरा 60 घड़े पानी उस पौधे में सींच देता हूँ, क्या मुझे फसल आज ही मिलेगी, नहीं मिलेगी, वो जब उसका सही समय आएगा तब ही मिलेगी, उसके पहले नहीं मिलेगी। क्या करना उसके लिए, क्या करना उसके लिए, देखो ये जो पुरुषार्थ है ये भी करना और काल लब्धि को भी ध्यान रखना, ये दोनों चीजें बराबर है। देखो अकेले पुरुषार्थ पर ही हम जोर देते हैं तो एक दूसरी समस्या आएगी, दूसरी समस्या ये आएगी कि जैसा जिन वचन ये कहता है
कि 6 महीना और 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं, न उससे एक कम न उससे एक ज्यादा। मान लो हम खूब पुरुषार्थ करें और मान लो 608 जीव पहले से ही निश्चित हैं कौन से वाले जाने हैं जिसमें हमारा नाम नहीं लिस्ट में, और हम खूब पुरुषार्थ करें तो क्या जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे। और मान लो जा सकते होते तो ये फिर जिन वचन का विराधना नहीं हो जाती, जो जिन वचन ने जैसा जो निश्चित देखा है तो उसके अनुसार ही होगा या हमारे पुरुषार्थ से होगा, तो अकेले पुरुषार्थ भी नहीं चलता। अब देखो ये दोनों चीजों पर बहुत सारी बातें हैं, लोगों को बहुत प्रश्न उठते हैं और तर्क वितर्क भी होते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, दोनों ही तरफ से खूब प्रबल प्रमाण भी दिए जा सकते हैं, लेकिन क्या है, अकेला पुरुषार्थ भी नहीं, अकेली काल लब्धि भी नहीं, सारी चीजें चाहिए, पांचों समवाय चाहिए, निमित्त भी चाहिए। देखो एक बात और बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये 80 धारा व्रत है जैन धर्म का उपदेशक बनना। मतलब हम क्या करते हैं, बड़े बड़े विद्वानों से भी छोटी छोटी भूल हो जाती है, जानबूझ के नहीं करते, हो जाती है, मैं उन पे कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, जब हम प्रवचन में धारा प्रवाह बोलते चले जाते हैं और ये कहते हैं कि देखो तुम्हारा पुरुषार्थ ही सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए, यदि तुम पुरुषार्थ करोगे तो अवश्य ही मुक्ति प्राप्त करोगे, अरे देखो पुरुषार्थ करने से क्या क्या नहीं हुआ, देखो ये पंचम काल को दोष मत दो, ये निमित्ताधीन दृष्टि को छोड़ दो, ऐसा जो हम कहते हैं ना, देखो हम निमित्त को नहीं नकार रहे हैं लेकिन निमित्त होता है ये भी तो बात स्वीकार करना जिन वचन ही है, जिन वचन देखो जिन वचनों में ये कहा है कि जब पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता और आप ये कह रहे हो कि नहीं हो जाएगा, आप पुरुषार्थ करो हो जाएगा, तो फिर ये जिन वचन की ये आप सत्य श्रद्धान हुआ कि असत्य श्रद्धान हुआ, विचार करो आप, मैं ये नहीं कह रहा, आप विचार करने के लिए कह रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में जो बात आई वो मैंने आपके सामने रखी है। निमित्त नहीं होता, निमित्त पर आधीन मत रहो ये ठीक है, लेकिन निमित्त भी तो कुछ है, पंचम काल में जब मोक्ष नहीं होता तो नहीं होता, क्या कर सकते हैं, लेकिन आप अपना प्रयास ना छोड़े इस बात के लिए ये कहा गया है कि निमित्ताधीन दृष्टि छोड़ो। देखो अभी जो अपना प्रकरण ये चल रहा है कि आत्मा की साधना के लिए क्या करें, इसके लिए देखो क्या है कि हमें करना क्या है कि 2-3 काम करने हैं। एक काम तो सबसे पहला ये करना है कि जैसे रोगी होता है ना, रोगी उसको डॉक्टर दवा तो देता है, आयुर्वेद डॉक्टर की बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेद डॉक्टर क्या करता है, दवा तो देता है लेकिन साथ में उसको एक परहेज भी बताता है कि तेल नहीं खाना, खटाई नहीं खाना, यदि खाओगे तो ये दवा असर नहीं करेगी, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है। तो ऐसे ही हम जिन वचनों को पढ़ते हैं, जिन वाणी की स्वाध्याय करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हम परहेज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या है परहेज, यदि परहेज पर ध्यान नहीं देंगे ना तो असर नहीं करती दवाई। देखो परहेज ये है कि जब आप शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, जिन वचनों का अध्ययन करते हैं, तो आपकी सबसे पहली एलिजिबिलिटी उनको अध्ययन करने की जो है वो ये है कि आपका जीवन न्याय नीति पूर्ण होना चाहिए, अभक्ष भक्षण बिल्कुल कदापि नहीं करना चाहिए। यदि आप जमीकंद खाते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, अभक्ष भक्षण करते हैं, तो निश्चित रूप से चाहे जितनी जिनवाणी पल्लो ठोक के मैं ये कह सकता हूँ कि उससे कुछ भी कल्याण नहीं होगा। ये मैंने खुद अपने जीवन से सीखा है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। मेरा जीवन बहुत उतार चढ़ाव पूर्ण रहा है और मैंने अपने जीवन में ये महसूस किया है, इसलिए ये बात मैं कहता हूँ। तो ये एक चीज समझ लीजिए कि सबसे पहला तो आपको ये परहेज करना ही पड़ेगा, तब जाकर के जिनवाणी गले उतरेगी। वो चींटी वाली कहानी तो सब जानते होंगे कि 2 चींटी थी, बहुत सहेली थी, एक जो है चीनी के ढेर पर रहती थी तो एक नमक के ढेर पर रहती थी। तो वो नमक खाने वाली जो चींटी है, एक दिन वो दूसरी चींटी को मिली, वो उसे अपने घर ले गई और उससे कहा कि तुम चींटी या चीनी खाओ, मीठी मीठी चीनी। तो क्या हुआ, पता होगी सबको कहानी, तो कि वो जो चींटी थी उसने सोचा कि पता नहीं वहां क्या खातिर होगी नहीं होगी, कुछ खाने मिलेगा या नहीं मिलेगा, नमक की छोटी छोटी गोलियां अपने मुंह में रख के लेके गई। और जब वहां चीनी खाने के लिए जब ऑफर मिला, तो वो जब चीनी खा रही है तो अंदर मुंह में जो पहले से जो नमक रखा है उसका खारा स्वाद आ रहा है, खारा स्वाद आ रहा है, तो बताओ चीनी का स्वाद आएगा।
नहीं आ सकता ना, बहुत छोटी सी सीधी सी बात है, बच्चा भी बताएगा। बस उसी तरह से यदि हम बाहर में अन्याय अनीतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं, अभक्ष भक्षण कर रहे हैं, तो जिन वचन हमें नहीं उतर सकते, जिन वचन ऐसा शेरनी का दूध है जिसके लिए स्वर्ण पात्र चाहिए, वो ऐसे नहीं उतर सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमें अपनी आत्मा की ओर ही पूरा ध्यान देना चाहिए। देखो एक छोटी कहानी और सुना देता हूं। एक बार एक हीरों का व्यापारी था, हीरे खरीदता था और उनको बेचता था, जयपुर शहर से हीरे लाता था और वो ट्रेन में बैठ करके कहीं जहां पहुंचना था अपने गंतव्य में जाता था। तो रास्ते में एक किसी मतलब लुटेरे को, ठग को ये खबर लगी कि भाई ये हीरा है, इसको किसी तरह से चुरा लेना चाहिए। और इस बात की भनक उस सेठ जी को भी लग गई। सेठ जी ने देखा कि अब मुझे सावधान हो जाना चाहिए। और फिर क्या हुआ कि सेठ जी ने जैसे ही वो थोड़ा सा सोने का नाटक कर रहा था या सोया था ठग, तभी अपने रत्न को अपनी जेब से निकाल के और उसकी जेब में रख दिया और खुद चैन की नींद सो गए। पूरी रात चैन की नींद सोए। सुबह जब उसको नींद लगने लगी ठग को, तब उसकी जेब से रत्न निकाल के अपनी जेब में रख लिया। और जब दोनों स्टेशन पर उतरे तो ठग उनके चरणों में गिरकर ये बोला कि सेठ जी मान गया आपको, मैंने बहुत लोगों को ठगा है लेकिन आप न जाने कैसे हैं, आप कितने चतुर हैं कि आपने रत्न कहाँ छुपाया था मुझे पता नहीं चला। ऐसा कहा तो सेठ जी ने कहा, देख भाई सारी दुनिया दूसरों को देखने में लग रही है और कोई अपने को नहीं देखता है, इसी सिद्धांत का आश्रय लेकर मैंने मेरा रत्न तुम्हारी जेब में रख दिया था और तुमने अपनी जेब टटोली नहीं। यदि तुम अपनी जेब टटोल लेते तो रत्न तुम्हें वहीं मिल जाता, मैं तो पूरी रात चैन से सोया। बताओ क्या शिक्षा मिली इससे? हमें कहीं बाहर में जाने की जरूरत नहीं, रत्न हमें अपने पास ही है, अपने अंदर ही है, उसे बाहर नहीं खोजना है। चार प्रकार के तीर्थ है ना, कौन कौन से? द्रव्य तीर्थ, क्षेत्र, काल तीर्थ, भाव तीर्थ, चार प्रकार के तीर्थ हैं, धवला में आए हैं। तो क्या है कि द्रव्य तीर्थों पर खोजते फिर रहे हैं हम लोग, क्षेत्र तीर्थों पर खोजते फिर रहे हैं, हैं? वहां जाओ, सम्मी शिखर जी जाओ, शायद वहां पर आत्म कल्याण मिलेगा। कल्याण बाहर थोड़े ही, आत्म कल्याण हमारे अंदर ही है, वो बाहर नहीं मिलेगा, तीर्थों पर नहीं मिलेगा, मंदिरों में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कि भाव तीर्थ में मिलेगा। चार प्रकार के तीर्थ में से तीन तीर्थ को छोड़ो और अंतिम भाव तीर्थ पर आओ, और भाव तीर्थ है अपने अंदर, अपने आत्मा में ही है और वो वहीं मिलेगा। ये ऐसी बात है, बहुत गजब की बात है, विचारणीय बात है। हमें क्या करना, हमें अपनी आत्मा को जानने के लिए सबसे पहले कहाँ आना? पहला काम तो मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले परहेज करना। देखो जिनवाणी के चार अनुयोगों में कोई पहले प्रथमान योग गिनाता है, कोई करुणान योग गिनाता है, हालांकि क्रम तो होता ही नहीं है, आप चाहे जो अनुयोग पहले पढ़ लीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद करुणान योग को पहले लेना चाहिए क्योंकि वो तो पहली शर्त है, परहेज तो वहां से शुरू होता है। खैर चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरा काम क्या करना हमको आत्मकल्याण के लिए? तो देखो करना क्या है कि चार प्रकार के ध्यान अपने जैन दर्शन बताए हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। चार ही तो ध्यान बताए, और आर्त ध्यान तो है त्रियंज गति का कारण और रौद्र ध्यान है नरक गति का कारण, इसलिए ये दोनों ध्यान नहीं करने चाहिए। और हम कर क्या रहे हैं, इन्हीं सब में लगे पड़े हैं, दिन रात सुबह शाम यही कर रहे हैं, लेकिन इनसे निकलना है। अब बचे दो ध्यान, कौन से? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब शुक्ल ध्यान भी इस पंचम काल में नहीं होता क्योंकि वो आठवें गुण स्थान से शुरू होता है, उसके पहले तो होता ही नहीं, और आठवां गुण स्थान इस पंचम काल में होता ही नहीं है। ये निमित्ताधीन दृष्टि नहीं है, ये जिन वचन है, जिनेन्द्र के वचन है, निमित्त भी तो कुछ होता है। यदि हम निमित्त को नहीं मानेंगे तो निमित्त के आधार पर खड़ा पूरा करुणान योग तो पूरा ढह जाएगा। सारे के सारे ये कर्म प्रकृतियां, धवला जय धवला वगैरह बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनमें तो वो जो कर्म प्रकृतियों का जो वर्णन है वो उसी आधार पे तो किया है, निमित्त नैमित्तिक आधार पे ही तो किया है। तो देखिए निमित्ताधीन दृष्टि मत रखना,
लेकिन निमित्त भी कुछ होता है ये जरूर स्वीकार कर लेना। तो क्या कह रहे हैं कि जो शुक्ल ध्यान तो इस पंचम काल में होता ही नहीं, और बचा सिर्फ अब हमारे पास एक ही ऑप्शन, क्या बचा, हम करें सिर्फ धर्म ध्यान। अब धर्म ध्यान करना है, उसी से हमको आत्मकल्याण तक पहुंचना है, वही एक रास्ता बचा भी है। तो धर्म ध्यान के भी चार भेद बताए, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ये चारों ध्यान कैसे होंगे बताओ भाई। आज्ञा किसकी मानना, कि जिनेंद्र की आज्ञा मानना, तो आज्ञा कैसे माने, जिनेंद्र तो इस पंचम काल में है नहीं, उनका तो विरह है, अब उनका विरह है तो क्या करें, में उनकी अनुपस्थिति में उनके जो वचन हैं वही उनके समान है ऐसा मानकर उनके वचनों को सिरोधारी करना, उनके वचनों को अपने सिर पे विराजमान करना। सिर पे विराजमान करने का मतलब समझे, सिर पे शास्त्र उठा के ऐसा रख लो ये मीनिंग नहीं है। शास्त्र तो स्वयं महिमा आती तो सिर पे रख लिया जाता है, उसके लिए रखना थोड़ा ही पड़ता है। ऐसे देखो हम शास्त्र तो सजाते हैं, अभी देखो श्रुत पंचमी गई है थोड़े देर पहले, तो हम क्या करते हैं शास्त्र सजाते हैं श्रुत पंचमी पर बहुत। देखो विचार करो, एक दशहरा पर्व आता है, उस दशहरे पर्व पर क्षत्रिय लोग क्या करते हैं, शस्त्रों को निकालते हैं और उनको साज सज्जा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। और हम श्रुत पंचमी पर अपने अपने शास्त्रों को निकालते हैं, उनको सजाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वो तो दशहरे पर शस्त्रों की सज्जा करते हैं और हम श्रुत पंचमी पर शास्त्रों की सज्जा करते हैं, लेकिन पढ़ते देखो यूज करना ही उनको उपयोग करना है, उनकी सच्ची पूजा उनका उपयोग करना है। यूं कहते हैं अनभ्यासे विषम विद्या। वो क्षत्रिय लोग भी ये कहते हैं कि ये शस्त्रों को हम केवल चलाएंगे नहीं, सिर्फ पूजा ही करेंगे, तो अनभ्यासे विषम विद्या, जब युद्ध आएगा ना तब इनका उपयोग नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए कभी कभी मॉक टेस्ट भी करते हैं, रिहर्सल भी करते हैं, उसके लिए युद्ध करते हैं, कला करते हैं। तो क्या है कि यदि हम शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, केवल सजाते ही रह जाएंगे, तो भी हमारा कुछ कल्याण होगा नहीं। शास्त्रों को पढ़ना पहली शर्त है, ये आज्ञा, आज्ञा विच्छेद ध्यान है ना, शास्त्रों को चारों ही ध्यान शास्त्र पे आएंगे पूरे ही, लगा लो आप आज्ञा विच्छेद भी, अपाय विच्छेद भी, विपाक विच्छेद भी, विपाक यानी कर्म प्रकृतियों का विपाक कहाँ मिलेगा, करुणानियोग के ग्रंथों में मिलेगा। तो सारे के सारे पूरे चारों ही धर्म ध्यान कहाँ कैसे होगा, उसका एकमात्र रास्ता क्या है, एकमात्र रास्ता है शास्त्र स्वाध्याय, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। आत्मा का कल्याण तो ठीक है, लेकिन आत्मा तो जब काल लब्धि होगी, जब जाना जाएगा तभी जानेंगे, लेकिन उसके पहले तो कुछ करें, तो क्या करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, यही तो करना पड़ेगा ना। तो क्या कह रहे हैं कि उन शास्त्रों को हम पढ़ें समझें तभी तो हमारा कल्याण होगा, हम केवल शास्त्रों को सजाते फिरे उससे कल्याण नहीं होगा। एक घटना जो मेरे ही जीवन की घटित हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग ये सोचें कि ये शास्त्र मेरे हाथों के पसीने से मैला नहीं हो जाए, इसके पन्ने ना मुड़ जाएं, इसकी जिल्द खराब ना हो जाए, ये नया का नया ऐसा ही सुरक्षित बना रहे, इस बात को सोचकर हम उसका ये मान लो स्वाध्याय नहीं करें, तो ये उस शास्त्र की पूजा नहीं है, उसकी अवमानना है। उसकी पूजा तो तब है जब हम उसको पढ़ें, रंगीन कर दें, लाइन लाइन जहां जहां पसंद आए उसको रंग दें, तब है उसकी पूजा। क्या हुआ मेरे जीवन की एक घटना मैं बता रहा था, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, तो हमें हमारे पिताजी ये शिक्षा देते थे कि देखो पुरानी पुस्तक से पढ़ो तो ज्यादा विद्या आती है। क्यों आती है, कि पुरानी पुस्तक में पुराने जो विद्यार्थी ने निशान बनाए हुए हैं, प्रश्नों के उत्तर कहाँ कहाँ हैं वो निशान बनाए हुए हैं, और भी काफी चीजों को अंडरलाइन किया है, तो उनसे पढ़ो तो ज्यादा विद्या आती है। लेकिन मैंने क्या किया, एक पुस्तक नई बाजार से खरीद के ले आया, SST सोशल स्टडी की, और बिल्कुल नई पुस्तक, एक पुस्तक बिल्कुल नई थी और बाकी सारी पुस्तकें पुरानी थी। वो नई पुस्तक को मैं इतना जो है छूता नहीं था, गंदी हो जाएगी, फट जाएगी, पन्ने मुड़ जाएंगे, उसको बिल्कुल नहीं छूता था। उसको मैंने जिल्द चढ़ाई, जिल्द चढ़ाना सीख लिया था, जिल्द चढ़ाई, बहुत सुरक्षित रखा, बहुत सुंदर दिखाया उसको, कभी उसको पढ़ा नहीं मैंने, पूरा साल निकल गया। आजकल के बच्चे तो 10वीं क्लास में इतने वो नहीं होते हैं, आजकल तो बहुत जागरूक है सब, हम लोग तो ऐसे ही थे। तो हमने नहीं पढ़ा उस पुस्तक को, एग्जाम आई,
उस पेपर में कोई भी सवाल के उत्तर मुझे नहीं आ रहे। बहुत शर्म के साथ कहने की बात है ये। किसी तरह से मिनिमम पासिंग मार्क देकर मेरे अध्यापक ने मुझे पास किया। बताओ क्या शिक्षा मिलती है इस बात से? इस बात से ये शिक्षा मिलती है कि शास्त्रों को सजाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। ये बहुत जरूरी बात है, एकदम खास बात है एकदम। तो हमें क्या करना है, अपनी आत्मा का यदि कल्याण करना है तो हमें शास्त्र स्वाध्याय जरूर करना ही करना चाहिए। शास्त्र किसे कहते हैं कि आप्त वचनम आगम, ऐसी परिभाषा है, आप्त वचनम आगम, आपके वचन ही आगम है। जिन वाणी है, जो जिन देव है वो तो नहीं है। देखो तीन चीजें अपने धर्म में ज्यादा मुख्य है, देव शास्त्र गुरु। अब देव तो है नहीं साक्षात इस अब पंचम काल में, और गुरु हैं वो भी हर रोज तो नहीं मिलते हैं, उनके भी दर्शन कभी कभार पुण्य महापुण्य से मिलते हैं। अब क्या करें हम कि जो शास्त्र है वो हमारे सच्चे मित्र हैं, जब चाहें तब हमारी मदद करते हैं, आधी रात को भी खोल के देखो तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हमारे सच्चे साथी तो शास्त्र हैं, जिनवाणी है, इसलिए जिनवाणी का अध्ययन करते करते ही हम जरूर एक ना एक दिन आत्मकल्याण भी करेंगे। देखो आपने ये देखा होगा आत्मकल्याण का मतलब क्या, पहले अपन सीधे सीधे बात पर ही आए, बहुत बात इधर उधर हो रही है कि यूं समझो कि आत्मकल्याण के लिए करना क्या है कि आत्मानुभव करना है। कि आत्मानुभव मतलब क्या, कि सम्यक दर्शन करना है। कि सम्यक दर्शन कहीं मिलेगा कि बाहर में? बाहर में तो नहीं मिलेगा, वो तो अंदर की वस्तु है इसलिए अंदर ही मिलेगा। अब क्या करना उसके लिए, उसके लिए हमको करना क्या है कि जो शास्त्र स्वाध्याय है उसमें देखो कि करना क्या है, कि करना यह है कि वो जो अनुभव करने की जो चीज है वो बाहर तो मिलेगी नहीं। हम बाहर खोजते जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र भी जो है 7 साल और 3 वर्ष से भी नीचे है, वो भी ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे सम्यक दर्शन कहीं बाहर मिलेगा, जिसको प्राप्त करना है अंदर ही है। 7 साल 3 वर्ष में 3 महीना में इसलिए कह रहा हूँ कि जो है 8 वर्ष में मनुष्य पर्याय में इस चतुर्थ और पंचम काल में, चतुर्थ और पंचम काल में 8 वर्ष की योग्यता सम्यक दर्शन की मानी है। पहले दूसरे तीसरे काल में कम है, वो तो दिनों में ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सम्यक दर्शन है वो अंदर से ही उत्पन्न होने वाली चीज है और वो शास्त्र स्वाध्याय से ही उत्पन्न होने वाली चीज। देखो दो प्रकार का सम्यक दर्शन, आत्मानुभव यानी आत्मकल्याण जिसकी बात कर रहे हैं, दो प्रकार से होता है वो आत्मानुभव। कौन कौन सा? कि निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज सम्यक दर्शन होगा या फिर अधिगमज सम्यक दर्शन होगा। क्या मतलब इनका? अधिगम माने ज्ञान, और ज्ञान से जो उत्पन्न हो वो अधिगमज है। यानी कि जिस सम्यक दर्शन में साक्षात हमको देव शास्त्र गुरु के माध्यम से ज्ञान मिले, साक्षात मिले, और तब उसके मिलते हुए में ही हमको सम्यक दर्शन प्रकट हो, तो ऐसे सम्यक दर्शन को कहते हैं अधिगमज सम्यक दर्शन। और जब हम साक्षात देव शास्त्र गुरु के संपर्क में नहीं है, उनसे सम्यक दर्शन नहीं भी मिल रहा है, मतलब नहीं सुन रहे हैं, उपदेश नहीं सुन रहे हैं, लेकिन कालांतर में जब हमको अकस्मात अनायास कभी एकाएक सम्यक दर्शन हो गया और उस समय पर देव शास्त्र गुरु हमारे समक्ष नहीं थे, तो ऐसे जो सम्यक दर्शन को क्या कहते हैं? निसर्ग सम्यक दर्शन कहते हैं। अब ये दोनों ही प्रकार का जो सम्यक दर्शन है, इसमें हमको तो ये लगता है कि अच्छा एक में तो वैसे ही हो गया, इसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, न कोई शास्त्र पढ़ना पड़ा, आप तो शास्त्र की बड़ी वो कह रहे हैं। देखो वो जो दूसरा सम्यक दर्शन है उसमें भी देव शास्त्र गुरु का निमित्त जरूर है, बस फर्क इतना है कि अधिगमज में तो वो साक्षात सामने थे, अधिगमज में वो पहले कभी भूतकाल में वो समक्ष थे, उनका उपदेश मिला था, देशना लब्धि मिली थी। सम्यक दर्शन में यानी कि आत्मा के कल्याण में देशना लब्धि मुख्य है। मुख्य क्यों है? क्योंकि देखो क्षयोपशम लब्धि विशुद्धि लब्धि तो शायद सभी मनुष्य गति के जीवों को, क्षयोपशम तो है ही, विशुद्धि की थोड़ी बात है, विशुद्धि भी लगभग जिनकी रुचि है उनको तो समझ ही ली जा सकती है एक तरीके से। तो तीसरी जो है हमारी देशना लब्धि पे बात आती है, 5 लब्धियों से ही तो पहुंचते हैं हम आत्मकल्याण पर। आत्मकल्याण माने आत्मानुभव, और आत्मानुभव तो 5 लब्धि पूर्वक होता है। तो जो तीसरी लब्धि है यानी कि जो देशना लब्धि है, जिनेन्द्र के वचनों का लाभ प्राप्त होना, वो देशना लब्धि है। वो कैसे मिलेगी? कि वो ऐसे मिलेगी ना कि जब हम उनको शास्त्रों को पढ़ेंगे तब मिलेगी, या सुनेंगे तब मिलेगी। पहले तो सुनते चले आ रहे थे, इसलिए श्रुत परंपरा कहते थे, आज तो पढ़ते चले जा रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं, खैर सभी बातें।
तो कहने का मतलब क्या है कि उन शास्त्रों को चाहे आज पढ़ें चाहे भविष्य में पढ़ें, बिना पढ़े तो कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये तो पहली शर्त है। ये लो जी, पहली बात तो हमने वो बताई थी कि परहेज है कि नहीं। दूसरी बात ये क्या बताई कि आपको देशना लब्धि चाहिए ही चाहिए यदि आत्म कल्याण करना है तो। और इस दुनिया में क्या करते हैं लोग, लाभ तो सारा चाहिए और काम कुछ नहीं करना है। हमको क्या है पुण्य के फल तो चाहिए, लेकिन पुण्य करने में बड़ा कंटाला आता है, जोर पड़ता है, नहीं करना चाहते हैं, व्रत तप करने पड़ते हैं, नियमों में बंधना पड़ता है, पसंद ही नहीं है लोगों को, है कि नहीं। लेकिन काम क्या करना कि जो हमको चाहिए तो उसका क्या काम है, वो करना है भाई, ऐसे नहीं चलेगा काम। देखो एक महिला धवला ग्रंथ का स्वाध्याय कर रही थी, धवला ग्रंथ का स्वाध्याय कर रही थी, लोगों ने पूछा कि ये ग्रंथ बहुत कठिन है, आपको क्या समझ में आता है ये। वो बोली कि नहीं, बहुत कम समझ में आता है, आता भी है लेकिन नहीं भी आता, ज्यादातर नहीं भी आता है। तो लोगों ने कहा कि भाई जब समझ में नहीं आ रहा तो क्यों कर रही है स्वाध्याय। तो उसने कहा कि अनादि से कभी हमने ये ग्रंथ पढ़े नहीं, इसलिए तो आज नहीं समझ में आ रहे, और आज भी नहीं पढ़ूंगी तो फिर भविष्य में जाना कभी समझ में नहीं आएंगे। समझ में आया कि नहीं, यानी अनादि से हम जो है शास्त्र पढ़ते तो आज शायद बात बन जाती, लेकिन आज भी शास्त्र पढ़ने को मिले और हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं तो बात कैसे बनेगी बताओ। ये जो है सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, आत्मा का कल्याण करना है, तो हमें क्या करना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा। पहले तो लोग जब तप बहुत करते थे तो उनको समझाया कि नहीं भाई तुम जब तप से आगे बढ़ो, थोड़ा स्वाध्याय पे ध्यान दो, है ना। देखो पूजा पाठ में सारा समय निकल जाता है, और जब तुम जो है स्वाध्याय की बात आती तो बोलते कि बहुत समय निकल गया, मुझे दुकान जाना है, और फिर उठ लेते हो। तो उनको पहले सिखाया कि नहीं भाई स्वाध्याय ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्वाध्याय में तो तुम भगवान से उनकी बात सुनते हो, और पूजन में तुम अपनी बात भगवान से कहते हो, और भगवान तो वैसे ही जानते हैं, आप नहीं भी कहोगे तो भी जान लोगे, लेकिन भगवान की सुनना ज्यादा जरूरी है, अपनी सुनाना ज्यादा जरूरी और नहीं है। और मान लो आप सुनाओगे भी तो ज्यादा से ज्यादा अपने इस जन्म की वर्तमान जीवन की सुनाओगे, और भगवान तो सारे ही जानते हैं अनादि की, इसलिए मत सुनाओ, वो तो सब जानते हैं। वैद्य तो ऐसा है कि नाड़ी पकड़ते ही सब समझ जाएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं है। आपका कर्तव्य तो सिर्फ इतना है कि जो वैद्य जी बता रहे हैं ना उसको ध्यान से सुनो और उसको अपनाओ। इसलिए आप क्या करो कि जो भगवान कह रहे हैं अपने शास्त्रों में, उनकी जीवनी में जो बात आ रही है, आप उसको सुनो। ऐसा कह कह करके लोगों में ये जागृति तो कर दी कि चलो भाई आप स्वाध्याय शुरू करो। स्वाध्याय तो शुरू किया, अब लोग जो है ध्यान छोड़ दिए, ध्यान पे बढ़ो। अब स्वाध्याय तो ठीक है, आप ध्यान पे भी बढ़ो। आप कितना समय देते हैं स्वाध्याय के बाद कि आप कभी ये विचार करें मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये विचार करो। आंख बंद करके बैठो, देखो, बंद करके मतलब खोल के बैठो या बंद करके बैठो, आत्मा का चिंतन किया कभी, केवल सुनना ही सुनना या पढ़ना ही पढ़ना नहीं, उसके भी आगे बढ़ने की बात है। तो देखो ये बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट बात है कि कैसे आत्म कल्याण करना है। हम शास्त्र को पढ़ते हैं, देखो आगम की एक व्युत्पत्ति तो आपको बताई थी मैंने शास्त्र में जो आई है, एक दूसरी व्युत्पत्ति और बता दूं, शायद नहीं सुनी हो। मैं तो आका मतलब होता है तक, आका मतलब क्या है तक, जैसे आपने एक शब्द सुना हो शायद आजानुबाहु। आजानुबाहु शब्द का मतलब क्या है, कहाँ सुना होगा, ये किसी महापुरुष के लक्षणों में पढ़ा सुना होगा, महापुरुष के लक्षणों में होता है कि आ जानू बाहु। आ का मतलब है तक, जानू मतलब घुटना, घुटना पैर का घुटना, और बाहु यानी भुजा। जिस पुरुष की भुजा पैर के घुटने तक पहुंचती हो वो आ जानू बाहु पुरुष होता है, और ये किसके लक्षण है, महापुरुष के लक्षण। तो आ का मतलब क्या है, तक, और गम आगम, अपन तो आगम की कर रहे हैं ना इसलिए आका लेते हैं, आ मतलब तक और गम यानी क्या, कि गम यानी संस्कृत की एक धातु होती, गम यानी जाना, कि जाना जिसमें गति हो, जिसमें जाना हो, परिवर्तन हो, उससे गम, गम यानी दो अर्थ में होती है गम धातु, जाने के अर्थ में और जानने के अर्थ में भी होती है। तो जो गमन करे यानी निरंतर परिवर्तित होता रहे वो भी गम है, और जो जाने वो भी गम है। तो ये आत्मा जो है निरंतर परिवर्तनशील, परिवर्तनशील तो सारे ही द्रव्य हैं, लेकिन जानने का काम सिर्फ आत्मा का ही है। इसलिए गम का सही अर्थ देखें तो आत्मा ही हुआ। इस तरह से आ माने तक
और गम यानी आत्मा तक, यानी आत्मा तक जो पहुंचा दे वही वास्तव में आगम है, और जो आत्मा तक नहीं पहुंचा है वो कैसा आगम। आप चाहे पूरी जिनवाणी पढ़ ले और आत्मा तक नहीं पहुंचे तो पढ़ना सार्थक नहीं हुआ, और यदि आत्मा को जान ले और जिनवाणी कदाचित ना भी पढ़े तो भी आपका जानना सार्थक है, आपका जिनवाणी पढ़े बराबर ही है। इसलिए शास्त्र पढ़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मा को पढ़ना है। शास्त्र भी इसलिए पढ़ते हैं कि उसको पढ़ के आत्मा को पढ़ लेवे, ठीक है कि नहीं। देखो बच्चा रोता है तो माँ उसको उंगली से चंद्रमा दिखाती है, उंगली से चंद्रमा दिखाती है, और बच्चा क्या करता है उंगली को देखता है, उंगली को कहाँ चंद्रमा किधर चंद्रमा, लेकिन माँ कहती है कि उंगली मत देख, उंगली देख के उंगली जिधर उधारा इशारा करती है वो देख, उंगली को तो देखना है, बिना देखे भी काम नहीं चलेगा, है ना। देखो क्या है कि चंद्रमा देखने के लिए चंद्रमा को देखना तो पड़ेगा और उंगली को छोड़ना भी पड़ेगा, लेकिन उसके पहले उंगली को देखना भी पड़ेगा, क्योंकि उंगली को ये देखना है कि वो किधर इशारा कर रही है और उधर फिर हमको देखना है। तो उसी तरह से शास्त्र तो पढ़ना है, क्योंकि बिना शास्त्र पढ़े हमको आत्मा नहीं पढ़ी जा सकती, क्योंकि आत्मा का सही स्वरूप तो शास्त्र में बताया है। इसलिए पहले शास्त्र पढ़ना है, फिर शास्त्र जिस आत्मा को समझा रहे उस आत्मा को भी पढ़ना है, यह है सही तरीका, है कि नहीं। तो उंगली को भी देखो फिर चंद्रमा को देखो, जैसे नक्शे में हम जो है शहरों को देखते हैं, विभिन्न शहरों को, विभिन्न पर्वतों को, विभिन्न नदियों को, और फिर क्या करते हैं हम फिर वो नक्शा को पढ़ते हैं कि उन शहरों को देखते हैं। कोई पूछे कि कहाँ हिमालय है, कि यहाँ हिमालय है, कि वो हिमालय उस नक्शे में है क्या, नक्शे में नहीं है, लेकिन नक्शा देख करके हम ये जान जाते हैं कि हिमालय जो है उत्तर में है। तो इसी तरह से हम शास्त्र को पढ़ें और शास्त्र को पढ़ कर के उसमें बताए गए आत्मा के स्वरूप को भी जानें, उसको समझें, तब जाकर के आत्म कल्याण होगा। ये पहली शर्त है आत्मा की, आत्म कल्याण की पहली शर्त है, अपने आप को जानने से ही आत्मा जाना जा सकता है कि नहीं। अपने आप को जानना है, बाहर में नहीं जानना है। देखो हम अनादि काल से आज तक अपनी आत्मा को भूल गए, और उसके कारण क्या हुआ कि अपने आत्मा को भूल करके अनादि काल से 4 गति 84 लाख योनियों में बहुत दुख पा रहे हैं। कितने दुख पा रहे हैं जो हम स्वयं भी नहीं जानते, सारा दुख इकट्ठा करो ना तो मतलब सोच भी नहीं पाएंगे, हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है उसके बारे में। देखो क्या है कि चाहे जितना भी हम जैसे क्या है, हम तो सिद्ध परमात्मा जितनी शक्ति रखते हैं, शक्ति रखते हैं, प्रकट शक्ति नहीं है, अभी प्रकट होने योग्य शक्ति है, प्रकट नहीं है, प्रकट होने की तो बात ही नहीं। कुछ लोग ऐसा भी गलत कह देते हैं, वो ध्यान रखने योग्य बात है, अभी वर्तमान में हम प्रकट वैसा नहीं है, क्योंकि वर्तमान में सर्वज्ञत्व शक्ति हो तो सर्वज्ञत्व शक्ति के सामने तो यूं कहते हैं वज्रपटल भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर्म, कर्म क्या चीज है, कर्म से ऐसा नहीं है, कहने का मतलब बीज में वृक्ष आज नहीं है लेकिन उत्पन्न होने की शक्ति है, वैसा है हमारे साथ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी आत्मा को जानना है, अपने आप को जानना है। हम इतने बड़े जो है प्रबल शक्ति के साधक बन सकते हैं, उतनी शक्ति हमारे अंदर प्रकट होने की सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी हम उस शक्ति को भूल कर और हम जगत में गधा बन गए हैं। कैसे गधा बन गए हैं कि एक बार एक जंगल में एक शेर का बच्चा ये सुन रहा था, कुछ पशु बात कर रहे थे कि इस जंगल में अंधेरी आएगी, अंधेरी मतलब अमावस्या की रात आएगी, अंधेरी रात, अंधेरी रात से सबको डर लगता है, आपने देखा होगा, तो अंधेरी से सबको डर लगता है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि अंधेरी आएगी, और वो जो है शेर का बच्चा सोचा कि ये सारे लोग बड़े चिंतित हैं, अंधेरी आएगी, न जाने कौन आएगी। छोटा बच्चा क्या समझे, वो तो यही समझ रहा, पता नहीं कौन है, कौन है, जाने आएगा पता नहीं, तो वो डरा हुआ था। अंधेरी रात आई, अंधेरे में तो जानते हैं सब कुछ दिखता तो है नहीं, वो शेर का बच्चा वैसे ही पहले से डरा हुआ था। डर से आदमी और मर जाता है, कोरोना से मरे या ना मरे डर से जरूर मर जाता है। तो वैसे स्थिति उसकी हुई, वो क्या हुआ कि अंधेरी रात में खो गया बेचारा, डर पहले से बैठा हुआ था, और अंधेरी रात में उसको अपना गुफा किधर है वो मालूम नहीं, और इधर उधर किसी दूसरी गुफा में जाके वो छुप गया और डरा हुआ था। और उसी रात को अंधेरे में, अंधेरा होने के कारण उसी रात को एक दूसरी घटना हुई कि किसी कुमार का गधा खो गया था। अब शाम को वो गधा घर नहीं पहुंचा तो किसान को बड़ी चिंता हुई और वो गधे को ढूंढने के लिए पहुंचा जंगल में, और अंधेरे में गधे को ढूंढते ढूंढते वो उस गुफा में घुस गया जिस गुफा में वो शेर का बच्चा डर कर बैठा हुआ था, दुबक कर।
तो अंधेरे में तो वो देख नहीं पाया कि ये शेर है कि गधा है, और उसने अपना गधा समझकर उस शेर के बच्चे को कान पकड़ के एकदम एक लगाई, चल भाई तू इधर बैठा है और मैं तुझे पूरे जंगल में ढूंढता फिर रहा हूँ, चल। और ऐसा करके उसको एक लगाते ही वो शेर का बच्चा पहले ही डरा हुआ था, वो समझ गया शायद ये अंधेरी है, शायद ये अंधेरी है जो आ गई है, हाय राम मेरा क्या होगा। और वो शेर का बच्चा बहुत दुबक करके सहम करके और उसके साथ साथ चल पड़ा। कुम्हार ने उसको लाकर बांध दिया, अंधेरे में तो देखा नहीं उसने, जब सुबह उजाला हुआ तब देखा, अरे ये क्या किया मैंने, मैंने गधे के चक्कर में शेर का बच्चा लेके आ गया, चलो कोई बात नहीं है, मेरा एक गधा खो गया है तो उसके बदले का काम, क्योंकि रोजी रोटी है भाई गधा उसका, तो छोड़ नहीं सकता ना उसको, चलो आ गया तो कोई नहीं इसी से काम करेंगे। तो उस शेर के बच्चे को वो साथ में दूसरे गधों के साथ में लेकर के जाता था जंगल में, और दूसरे गधों के पीठ पर जो मिट्टी लादता था उसी तरह से उस शेर के पीठ पर भी मिट्टी लादता था, और इस तरह से उस शेर भी जो है उन गधों के साथ रहते रहते गधे जैसा ही हो गया, वो भी अपने आप को गधा ही मानने लग गया, और उन गधा मजूरी करता रहा, सिर पर बोझा ही ढोता रहा, और ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा चलता रहा। एक दिन जब उस जंगल में वो गधों के ऊपर कुम्हार मिट्टी लाद रहा था और मिट्टी उस शेर के बच्चे के ऊपर भी लाद रहा था, तभी दूर किसी पहाड़ी पर एक दूसरा शेर उस पूरे दृश्य को देख रहा था, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है, ये शेर अपनी शक्ति को भूलकर गधा बन गया है। तो उसने उसको जागृत करने के लिए, उसे समझाने के लिए एक दहाड़ मारी, ऐसी जोरदार दहाड़ मारी कि सारे गधे वहां से भाग गए, कुम्हार का भी अता पता नहीं वो भी कहां चला गया, लेकिन वो शेर नहीं डरा क्योंकि उसको वो आवाज अननोन नहीं लगी, अनजानी नहीं थी, वो उसकी अपनी आवाज से मिलती थी, उसे बिल्कुल भय नहीं लगा, वो सिर्फ एक गधा वो एक बच्चा जो शेर का बच्चा वो वहां खड़ा रह गया, बाकी सब भाग गए। तब वो शेर उस पहाड़ी से उतर कर छलांग मार कर वहां आया, उस शेर के बच्चे को कहने लगे, तुझे क्या हो गया, तू तो शेर है, चल चल उस पानी में पृथ्वी में देख, तेरी शकल और मेरी शकल एक जैसी है कि नहीं, तेरी आवाज और मेरी आवाज एक जैसी है कि नहीं, तू पहचान कर तू कहां गधों के साथ गधा बन गया है, तू शेर है, तेरी शक्ति को पहचान, अपनी शक्ति को पहचान तो तुझे ज्ञान होगा। बस वही बात तो हमें जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं कि अरे संसारी जीव तू देख, द्रव्य से भी तू हमारे जैसा है, गुण से भी तू हमारे जैसा है, और पर्याय से भी, प्रवचन सार में तो यही लिखा है पर्याय से भी हमारे जैसा है, क्योंकि पर्याय भी तो गुण और द्रव्य के अनुसार ही होती है ना, तो तेरी पर्याय भी गुण और द्रव्य के अनुसार ही है उस दृष्टि से, मतलब दृष्टि अलग है वहां पर, विवक्षा अलग है, आप पढ़ लेना, लेकिन कुछ लोग दूसरी विवक्षा से कहते हैं कि पर्याय अलग है। तो कहने का मतलब जिनेंद्र भगवान हमें ये कहते हैं कि जैसा मैं हूं वैसा ही तू है, द्रव्य से भी तू वैसा ही है, गुण से भी तू वैसा ही है, और पर्याय से भी तू वैसा ही, बता तू कहां खो गया है, तू जान, तू देख, अपनी शक्ति का भरोसा कर, विश्वास कर कि तू कैसा है, तू तो सिद्ध बनने योग्य है, कहां तू संसार में भटक रहा है, क्या छोटे छोटे दुखों को लेकर रो रहा है, तू तीन लोग तीन काल के समस्त पदार्थों को एक साथ जान सकता है, इतनी शक्ति तेरे पास है, और तू एक छोटी से छोटी चीज को जानने की इतनी अभिलाषा रखता है, बताओ पर द्रव को जानने के लिए, पर द्रव को देखने के लिए तू इतना इतना मारा मारा फिरता है, एक बार तू बड़े अंतर्मूर्त तक अपने आप को देख ले, तेरे को पर द्रव देखने की जरूरत नहीं, सारे पर द्रव तेरे ज्ञान में झलकेंगे। बड़ा अंतर्मूर्त का मतलब क्या है कि आठ जैसे श्रेणी चढ़ते हैं तो केवल ज्ञान के पहले श्रेणी चढ़ते हैं, तो उसमें चार गुण स्थान आते हैं, आठवां नौवां दसवां और बारहवां, चारों गुण स्थान अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त के हैं, और चारों का समय एक साथ मिला दो तो भी अंतर्मूर्ति है, क्योंकि अंतर्मूर्त छोटे बड़े कई प्रकार के, तो एक बड़े अंतर्मूर्त तक अपनी आत्मा को देख लें तो परद्रव को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये ऐसी महत्वपूर्ण बात है। तो क्या है कि हमें अपने आत्मा को देखना है, परद्रव को सुधारने नहीं जाना है, परद्रव को देखने नहीं जाना है। एक बहुत अच्छी छोटी सी कहानी और है मेरे दिमाग में, वैसे तो बात बहुत है मेरे पास, लेकिन मैं समय को भी थोड़ा देखना पड़ेगा, मैं तो कहते कहते कहीं दूसरी तरफ भी चला गया, लेकिन सारी बातें महत्वपूर्ण है। देखो क्या है कि जितनी बात हम दूसरे को, जितना समय दूसरे को समझाने में, जितना समय जितनी शक्ति देते हैं, उससे कई ज्यादा समय और शक्ति हमें अपनी ओर देनी चाहिए। इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत और देता हूँ। एक राजा अपने मंत्री के साथ में
शहर को घूमने निकला, राजा का कर्तव्य है ना पूरे शहर को देखे समझे कोई प्रजा को सुख है दुख है क्या है, तो उसके लिए निकला। भरी दोपहरी में गर्मी में निकला तो क्या है कि बहुत तेज धूप लग रही थी, तो धूप लग रही थी तो उसने कहा मंत्री को कि ये बहुत तेज गर्मी है, तुम पूरे आकाश को जो है ना चंदोबा लगवा दो किसी तरह। मंत्री ने कहा देखो ये संभव नहीं है कि हम पूरे आकाश को चंदोबा लगवा दें, ये तो संभव नहीं है, लेकिन आप एक काम करें, आप एक छाता ले लें, आप छाता ले लें तो आपके सिर पे तो चंदोबा हो ही गया ना, बस आपको क्या करना पूरे का, आप जिधर भी जाएंगे चंदोबा आपके साथ चलेगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, ये तो बड़ा शॉर्टकट बहुत अच्छा रास्ता बता दिया आपने, कितना समय और कितनी शक्ति बच गई, कहाँ चंदोबा पूरे आकाश का लगाते। कोई बात नहीं, थोड़ा आगे और गए, फिर राजा को कांटा चुभ गया। हालांकि ये तो कहानी है, राजा कोई कांटा थोड़ी, राजा तो वैसे ही बहुत संयोगों में पलते हैं, कहानी है, मर्म की बात आएगी इसलिए। तो इसमें क्या है कि राजा को कांटा लग गया, तो राजा ने कहा मंत्री जी ये तो बहुत बुरा हो गया, ये पूरी पृथ्वी को एकदम चमड़े से मढ़वा दो। हालांकि चमड़ा नहीं आना चाहिए, अपन चमड़े का यूज नहीं करते हैं, एक कहानी मैंने कहीं से सुनी थी वैसी की वैसी सुना रहा हूँ, आप तो उसका भाव पकड़ लेना बस। तो क्या है कि उसने कहा कि पूरी पृथ्वी को चमड़े से मढ़वा दो, सारे कांटों को बिनवा दो, पूरे खत्म कर दो सारे कांटों। तो मंत्री जी ने कहा देखो ये तो बड़ा समय और शक्ति भी लगाएं तो भी जरूरी नहीं है, लेकिन आप एक काम करिए, आप जो है अपने पैरों में जो है जूते पहन लीजिए, जाएंगे कांटे सारे, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आपको तो ऐसा लगेगा सारी पृथ्वी कांटों से रहित हो गई, ये तो बड़ा अच्छा काम है, कितना समय और कितनी शक्ति बच गई, ये तो बड़ा अच्छी बात है। आगे फिर गए तो राजा को बड़ी प्यास लगी थी, गर्मी के दिन तो थे ही, तो उसने कहा कि भाई पानी पिलाओ, ये तो पानी बहुत गंदा है, इसको छानो, पूरे कुएं को छान डालो पानी से। तो उसने कहा देखो भाई पूरा कुएं को छानना भी कोई आसान नहीं है, लेकिन आप अपना लोटा छान लो जी। राजा ने देखा अरे ये तो बड़ा अच्छा काम, तो इस तरह से ना तो हम पूरी पृथ्वी को कांटों से रहित कर सकते हैं, ना पूरे आकाश को हम चंदोबा लगा सकते हैं, ना पूरे कुएं को छान सकते हैं, सिर्फ हम अपना लोटा छाने, सिर्फ हम अपने पे ध्यान दें, किस किस को सुधारने जाएं, किस किस को समझाने जाएं, इसमें बहुत समय और बहुत शक्ति चाहिए। यद्यपि दूसरे का कल्याण करना, दूसरे को भी सन्मार्ग दिखाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन वो कितने प्रतिशत में है वो ध्यान रखना। आप स्वाध्याय के 5 भेदों में एक वेद धर्मोपदेश भी है, यदि पांचों को हम 20-20% भी ले लें तो 20% में हम दूसरे का कल्याण करें, 80% समय तो हमें ही अपने पे देना है, और वो 20% भी देखा जाए तो अपने ही कल्याण में जाता है, जब हम दूसरों को समझाते हैं तो विषय हमें ही ज्यादा क्लियर होता है। तो हमें आत्म कल्याण के लिए क्या करना कि अपना कल्याण तो करना ही है, दूसरे का भी कल्याण करना है, लेकिन दूसरे के कल्याण से ज्यादा महत्वपूर्ण अपना कल्याण। शास्त्र में कहा है आद हिदम कादवम जदि सक्कदि पर हिदम च कादवम, आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुठु कादवम, कि यदि आप आत्महित भी करो और शक्य है आपसे, यदि कर सकते हैं समय शक्ति है आपके पास तो आप पर हित भी जरूर करिए, लेकिन आपके पास चॉइस है, आपके पास समय शक्ति कम है, उतना नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ आत्महित पर ही ध्यान दो, पर हित को छोड़ दो फिर, क्योंकि दुनिया की जब समझने की योग्यता होगी तभी वो समझेंगे, आपके और हमारे समझाने से कोई समझता नहीं है, समझ स्वयं में ही उत्पन्न होती है, दूसरे के समझाने से उत्पन्न नहीं होती है। तो इसलिए हमें यदि आत्म कल्याण करना है, अपना हित करना है, तो हमको क्या करना है कि हमें अपने आप को समय देना है, हमें अपने आप का विचार करना है, ये जिनवाणी का अध्ययन करना यानी देशना लब्धि प्राप्त करना, अनादि से मिली या नहीं मिली लेकिन इस जन्म में ये जो है आप प्रण कर लीजिए, जैसे फाइनेंस ईयर होता है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इस बार थोड़ा गड़बड़ा गया है, लेकिन उसमें हम पूरे साल का लेखा जोखा करते हैं, क्या खोया क्या पाया इसका जो विचार करते हैं ना, बस उसी तरह से एक एक साल आप यूँ समझ लो श्रुत पंचमी से श्रुत पंचमी तक, ये हमारा जो है आत्म आराधना का ईयर है, मतलब जैसे वो फाइनेंस ईयर होता है ना ऐसे ये आत्म आराधना का ईयर है। आप पूरे साल का ये विचार करके देखो कि हमने इस पूरे वर्ष में कौन कौन से शास्त्र पढ़े हैं, अरे ये मनुष्य जीवन यूं ही निकल जाएगा, शास्त्र कैसे कैसे रचे गए आपको पता नहीं है, जिस तरह से देश की आजादी के लिए खून का कतरा कतरा दिया गया था, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा,
उस तरह से आचार्यों ने बहुत बड़ा उत्सर्ग किया है, बहुत बड़ा त्याग किया है। आचार्य कुंद कुंद ने जंगल में ताड़ पत्रों पर किस तरह से कांटों से लिखा, एक एक पत्ते पर वो ग्रंथ कितने कीमती है। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, हैं तो कितना महत्वपूर्ण ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान हमको कितना मुश्किल से मिला है, उसको हमको जो है जीवन में समझना नहीं नहीं समझे इस जीवन में तो फिर कब समझेंगे। ये प्रतिज्ञा करो कि इस जीवन में मेरे मरने के पहले कम से कम मैं जो है आचार्य कुंद कुंद के पंच परमागम जरूर पढ़ूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करो आप। नहीं समझ में आए तो भी पढ़ूंगा, आद्योपांत पढ़ूंगा। देखो क्या होता है, तीन प्रकार के बात, समय का ध्यान नहीं रहता मुझे, थोड़ा देख लेना। तो क्या है कि हमारे पास समय तो कम ही है, मतलब कुल मिलाकर ये समझना है कि हमारे समय और शक्ति के अनुसार हमें ये प्रतिज्ञा करनी है कि मैं अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा। एक बात और कहता हूँ, देखो महात्मा गांधी जी ने अपनी जीवनी में लिखी सत्य के प्रयोग में ये लिखा है कि हर मनुष्य को हर दिन 2-4 घंटे शारीरिक श्रम करना चाहिए, फिजिकल वर्क बहुत करना चाहिए। यदि कोई फिजिकल वर्क नहीं करता है तो उसको अन्न खाने का अधिकार नहीं, ऐसा गांधी जी ने लिखा है अपनी जीवनी में, पढ़ लेना आप। क्या कहते हैं कि हमको यदि 2-4 घंटे शारीरिक श्रम नहीं किया तो अन्न खाने का अधिकार नहीं है। यदि इसी बात को हम ऐसा कहें कि यदि हम 2-4 घंटे स्वाध्याय नहीं करें तो उस दिन हमको खाना खाने का अधिकार नहीं, ये चीज को ये दृढ़ता से हमको गांठ बांध लेनी चाहिए। 1000 काम छोड़ करके भी हमें थोड़ी देर स्वाध्याय को जरूर देनी चाहिए, क्योंकि यही देशना लब्धि है जो हमको चाहे तो निसर्ग चाहे अधिगमज दोनों ही प्रकार के समय दर्शन में निमित्त बनेगी, आज नहीं तो कल बनेगी। इसी से आत्म कल्याण होगा। बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय भी अपना हो चुका है, इसलिए ज्यादा तो नहीं कहूंगा, इतनी ही बात कह करके अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर विवेचन आदरणीय पंडित श्री सिद्धार्थ प्रकाश जी जैन शास्त्री, उनके द्वारा हमने अभी लाभ लिया। पंडित जी ने शुरुआत में ही कहा था, बहुत ही आप उनके व्याख्यान से समझ सकते हैं कि बहुत सरल स्वभाव है पंडित जी, एकदम सरलता से उन्होंने बहुत सरल सरल और प्रैक्टिकल एग्जांपल देके हमें समझाया। वो लगते भले सरल हैं लेकिन आप उनके बारे में यदि उनके जो उन्होंने पढ़ाई की है वो सब आप सुनोगे तो लगेगा कि बहुत ही अच्छे विद्वान हैं। और आप, इन्होंने PhD की हुई है, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। फिलहाल ये KJ सोमैया कॉलेज जो अब यूनिवर्सिटी बन चुकी है, ऐसे KJ सोमैया में स्टडी फॉर जैनिज्म डिपार्टमेंट में ये डायरेक्टर हैं KJ सोमैया कॉलेज के। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले, बेस्ट ऑथर, अवार्ड ऑफ बेस्ट ऑथर। पंडित जी साहब ने अब तक लगभग 25 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं इंटरनेट, और उसके बाद इन्होंने देवक के शिरोमणि का पुरस्कार इनको मिला है, नेशनल बेस्ट स्पिरिचुअल एजुकेशनिस्ट ऐसा अवार्ड भी इनको मिला है। तभी इनकी जीवनी अगर मैंने इनके इंट्रोडक्शन में देखा था गूगल पर, तब ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। तो बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, 25 से अधिक पुस्तकों का इन्होंने लेखन किया है। अभी फिलहाल KJ सोमैया में अगर आपको जैनिज्म से रिलेटेड अगर पढ़ाई करनी हो तो आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। PhD किसी को करनी हो तो पंडित जी साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से पंडित जी का नेचर भी बहुत सरल है, बहुत हेल्पिंग नेचर है। आपने प्रवचन में देखा है कि बहुत सरल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया। और सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है पंडित जी साहब के जो सोमैया में जैनिज्म सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमारे शास्त्री विद्वान पढ़ा रहे। पंडित जी स्वयं भी शास्त्री हैं, वहाँ पे स्वतंबर भी आते हैं, सभी मतों के जैन पढ़ने के लिए कोई भी आ सकता है जैनिज्म पढ़ने के लिए। तो सच्चा ज्ञान लोगों तक पहुँचा रहे हैं, शास्त्री हैं तो ज्ञान विशेष क्लियर होता है। तो ऐसा सच्चा ज्ञान उन विद्यार्थियों तक, जो मैं स्वयं भी उस कॉलेज में गया था, तो स्वेतांबर आदि भी स्टूडेंट आते हैं तो वो भी इस विषय को पढ़ते हैं और सच्चा ज्ञान पंडित जी उन तक पहुंचा रहे। बहुत ही बहुत अनुमोदना के पात्र हैं पंडित जी। तो ऐसे पंडित जी का बहुत बहुत आभार बेसिक स्वाध्याय ग्रुप की ओर से। शाम का कार्यक्रम में आपको एक नोटिस बता दूँ, बहुत ही खुशी की बात है कि शाम को तीन से चार आदरणीय पंडित श्री सुमत प्रकाश जी खनियादाना, आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी खनियादाना का लाइव प्रवचन हम 3 से 4 डेली, ज्ञान स्वभाव अभी विषय चल रहा है, ज्ञान स्वभाव पे हम डेली 3 से 4 दोपहर 3 से 4 समय नोट कर ले, इसी चैनल पर यूट्यूब की लिंक भी यही रहेगी, हम लाभ लेंगे। और कल सुबह ग्यारह से बारह हमारे साथ होंगे नितेश जी शास्त्री दुबई
वालों का प्रवचन का हम लाभ लेंगे। निज हित का पुरुषार्थ उनका विषय है। निज हित का पुरुषार्थ आदरणीय पंडित श्री नितेश जी शास्त्री दुबई वालों के प्रवचन का हम कल लाभ लेंगे। हमारे साथ अभी मैं नरेश भाई साहब को निवेदन करूंगा कि अगली आवाज उनकी होगी, और उससे पहले मुझे लगता है शायद हमारे साथ पंडित जी जुड़े हुए हैं, वीर सागर जी, उनका चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगर पंडित जी साहब, अगर आप ही हैं तो अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करें, हम आपके दो शब्द सुनना चाहेंगे, आपका मार्गदर्शन चाहेंगे, अगर पंडित जी साहब हैं तो। तब तक नरेश भाई साहब। हाँ जी, हाँ वीडियो ऑन कर लिया है वीर सागर जी, पंडित जी ने, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ पंडित जी सब, हेलो। हेलो, हाँ जी, जय जिनेन्द्र, आप बताइए। जय जिनेन्द्र, जय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हम याद कर ही रहे थे कल, और आज हमने आपको जस्ट लाइव देखा कि आप साथ में जुड़े हुए हैं। हाँ, और कल अनुभव जी शास्त्री से ही नंबर लिया है आपका, मैंने आज फोन करने ही वाले थे हम। क्या बात है, क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। आत्महित की बात तो अद्भुत है। अरे सुधारक जगत के, चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। अपने को सुधारने की बात वही जिनवाणी का सार है। हमको अपनी 100% एनर्जी अपने को सुधारने पर लगानी चाहिए। जब हम अपने को सुधारते हैं तब स्वयमेव दूसरे को लाभ होता है, हो जाता है, पर वो करना नहीं पड़ता। यही हमारी प्राचीन पद्धति है। सब आचार्यों ने अपने लिए ही काम किया है। अगर कुंद महाराज से पूछो तो वो कहते हैं निय भावना निमित्तम, मैंने तो अपनी भावना के लिए लिखा है। अगर उनसे अमृत चंद्र महाराज से पूछो तो वो भी कहते हैं कि मैंने तो मम परम विशुद्धे, मैंने तो मेरी विशुद्धि के लिए टीका लिखता हूँ। गुरुदेव से पूछो तो वो स्वाध्याय प्रवचन करते थे तो अपने लिए करते थे। तो हमको अपने को हमने अनादिकाल से गौण कर रखा है, उसको मुख्य करना है। अपने को मुख्य करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। ये बहुत खासम खास बात आज की चल रही थी, बहुत आनंद आ रहा था, बहुत ये वैज्ञानिक बात है। अपने कितना अच्छा उदाहरण दिया कि पूरे आकाश पर चंदोवा नहीं लग सकता, पूरी धरती पर फर्श नहीं बिछ सकता, अपने पैरों में मोजे पहने जा सकते हैं, अपने सिर पर छाता लगाया जा सकता है। ये बहुत, और कई तरह से ये बात वैज्ञानिक है, युक्ति संगत है कि हम अपने को सुधारें। अरे मैंने खुद पीएचडी नहीं की हो तो मैं दूसरे को कैसे पीएचडी करा सकता हूँ। जिसने स्वयं एमए किया हो वो बीए वाले को पढ़ा सकता है। जिसने खुद ही नहीं पढ़ा हो, जो स्वयं तैरना नहीं जानता हो वो दूसरे को नहीं तैरना सिखा सकता। जिसके, मान लो मेरे पास 2 रोटी हो तो मैं एक दूसरे को दे सकता हूँ, लेकिन मैं खुद ही भूखा हूं तो क्या दूसरे को दे सकता हूँ। इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत वैज्ञानिक है, बहुत तर्क संगत है, जीवन के कल्याण करने के लिए सब आचार्यों का संदेश है। आद हिदम कादवम, अरे अपना हित करो, अपना हित करो, अपना हित करो, अपने पर ध्यान दो, अपने पर। अकलंक आचार्य ने लिखा, पर चिंता धमा धमा, दूसरे की चिंता करना वो अधम से भी अधम काम है। तो आज बहुत आनंद हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत अच्छा, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें भी बड़ा आनंद आया आपको देखकर, और विशेष आभार के रूप में मैं पंडित श्री शुद्धात्मा प्रकाश जी जैन को बहुत बहुत आभार बेसिक स्वाध्याय ग्रुप की ओर से करना चाहूंगा।
कि उन्होंने अपना समय दिया और आगे भी हम आपका जरूर स्वाध्याय का लाभ लेंगे आपके साथ। जो भी मेरे से बनेगा मैं करूंगा बिल्कुल। यदि किसी के प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं क्या पंडित जी? अगर कोई ले सकते हाँ जी, यदि किसी के प्रश्न बने तो रेज हैंड करें तो हम लेंगे। और आगे के लिए विवेक जी, जब तक आप लोग हाथ ऊपर करते हैं तब तक बहुत ही सुंदर। और मैं पंडित जी साहब वीर सागर जी शास्त्री को निवेदन करता हूँ कि हमारी बुधवार की जो क्लास है 11 से 12 का, उसमें आप अपना हमें बहुमूल्य समय दें, हम सबको मार्गदर्शन करें। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है उसके लिए विजय अंकल जी उन्हें फोन करने वाले हैं पंडित श्री वीर सागर जी को, तो विजय अंकल जी ही बात करके अपने से कहलवाएंगे ऐसा है। तो थोड़ा विजय अंकल जी के भाव बने हुए हैं तो उनको उन्हें बात करने देंगे, ठीक है। अच्छा, प्रश्न के लिए दीपा जी, दीपा जी लीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी, जय जी। हाँ जी, जय जी। आपने 1900 कल्याण के लिए जैसे 4 पॉइंट बताए हैं। हाँ जी। परहेज करना और ध्यान और शास्त्र स्वाध्याय, तो मुझे कुछ थोड़ा इसमें डिटेल में बताएंगे आप? डिटेल में तो बहुत सारी बातें हैं, यानी मुझे वो 4 पॉइंट समझ थोड़ा सा। ठीक है, मैं सारांश में बता देता हूँ। देखिए क्या है, सबसे पहले तो जो परहेज की बात मैंने बताई थी वो ये है कि हम यदि मान लो अवक्ष भक्षण करते हो, मान लो जमीकंद खा रहे हो, तो ये जिन आज्ञा तो है ही नहीं, जिन आज्ञा के विरुद्ध है। और हम जमीकंद खा रहे हैं तो खान पान का हमारे दिमाग पर बहुत बहुत बड़ा असर होता है। मतलब मैं इस पर चाहे तो 1 घंटे का आपको सिर्फ एक ही पॉइंट पर बोल सकता हूँ। एक बहुत बड़ी मतलब घटना है अखबार वगैरह की, मैं तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, और जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी, ये कहावत है। यदि आप अशुद्ध भोजन कर रहे हैं, अभक्ष भक्षण कर रहे हैं, तो सीधी बात है कि हम तामसिक विचार के कारण जो है जिनवाणी हमारे गले उतरेगी नहीं, हमारे हृदय में नहीं उतरेगी। ये आप परखी हुई बात है, मेरी तो खुद की परखी हुई बात है। तो एक चीज तो ये हुई, और दूसरी जो स्वाध्याय वाली जो बात है वो इसलिए है कि जो 5 लब्धियां होती है सम्यक दर्शन के लिए, जैसे हमारा विषय है कि आत्मकल्याण, तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा कि आत्मा को जानने से ही होगा। पहली शर्त तो उसको आत्मा को जानने की है, और आत्मा को जानने के लिए या उसके पहले होने वाली 5 लब्धियां होती है। तो पहली लब्धि है छायोपशमिक लब्धि, यानी कि आपको कम से कम इतने ज्ञान का उघाड़ हो, यानी ज्ञानावरण कर्म का इतना छायोपशम हो कि आप आत्मा को जान सके। जैसे कि कम से कम संगी पंचेंद्रिय हो, उसके नीचे के जीव को उतना ज्ञान नहीं होता है। तो और दूसरी लब्धि क्या है कि विशुद्धि की, आत्मा को जानने की योग्यता होने के बाद भी आपकी उधर रुचि होना भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया में इतने लोग हैं लेकिन वो कहाँ जानना चाह रहे हैं। तो वो यदि बात है तो वो दूसरी बात है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक तो आप सब यदि सुनने आए हैं जिनवाणी को, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक तो आप पहुँचे ही हैं। तो जो तीसरी स्टेप आती है वो है देशना लब्धि। तो इसलिए मैंने जो विशेष बल दिया है वो ये तीसरी वाली स्टेप पर दिया है कि आप देशना लब्धि यानी कि शास्त्र को समझें, उसका स्वाध्याय करें। उसको क्या है कि एक दो बार पढ़ने पर बात बैठती नहीं है, 2-4 बार पढ़िए, क्योंकि ये संस्कार यदि हमको अगले जन्म तक भी पहुंचने चाहिए ऐसी भावना है तो हमको उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये स्वाध्याय पर मैंने बल दिया था, बहुत ज्यादा बल इसीलिए दिया है कि हम स्वाध्याय करें और स्वाध्याय में जो बात आई है उस पर भी विचार भी करें। केवल पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, उसका चिंतन भी करें कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। जैसे आप कभी भी जैसे मान लो मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो मेरे विद्यार्थी मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि हम क्या करें। तो मैंने कहा आत्मा का ध्यान करने की कोशिश करो। कि ध्यान करने की कोशिश करते हैं, आंख बंद करते हैं तो काला काला अंधेरा दिखता है, कुछ दिखता है। तो मैंने कहा ये ठीक है, बहुत अच्छा बात है, यदि आप आंख बंद करके बैठते और आपको अंधेरा अंधेरा दिखता है तो आप ये बताओ कि वो अंधेरे को देखने वाला कौन है। कोई तो है ना उस अंधेरे को देखने वाला, जो अंधेरे को देखने वाला है वही तो मैं हूँ, ऐसा विचार करना है। और जो कुछ भी दिखता है वो पुद्गल है। ये तो शास्त्र में छोटे बच्चों को सिखाते हैं, जो भी दिखता है वो पुद्गल है। यदि अंधेरा दिख रहा है तो अंधेरा तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो पुद्गल है, मैं तो उस अंधेरे को देखने वाला तत्व हूँ, मैं तो ज्ञान का पिंड हूँ, सिर्फ ज्ञान शरीर ही हूँ मैं। मतलब कैसा हूँ मैं, मेरा रॉ मेटेरियल जैसे हर चीज, जैसे फोन बना है, ये बुक बनी है किससे बनी है, कागज की बनी है, तो ऐसे मेरा आत्मा किसका बना है, वो ज्ञान का बना है। यानी मेरे आत्मा का रॉ मेटेरियल ज्ञान है, मतलब
मैं तो सिर्फ ज्ञान हूँ, ज्ञान किसी से टकराता नहीं, तो इसकी अवगाहना शक्ति मतलब क्या बोलते हैं उसको, अव्यवाधत्व शक्ति। तो कहने का मतलब ज्ञान तो ऐसा है, उसका चिंतन करना है। ये शास्त्र पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा ना आत्मा का, इसलिए शास्त्र की बात करें। हुआ समाधान की बाकी है कुछ? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छा, ये लास्ट पॉइंट तो और ज्यादा क्लियर हो गया। बहुत सुंदर। अगले प्रश्न के लिए अरविंद जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी, स्वाध्याय परम तप, तो जो आपने जिनवाणी की बात कही कि जिनवाणी मेली ना हो जाए, आप उसमें मेले हाथ ना लगाए, तो ये तो समझ में आता है कि जिनवाणी की विनय करना है। लेकिन जैसे अभी इस वक्त मैं फिलहाल दुकान में बैठा हूँ, लेकिन अभी इच्छा हो रही है कि मुझे एक घंटा और बैठना और मैं स्वाध्याय करूँ, मेरे हाथ वाकई में मेले हैं क्योंकि सीमेंट के हो चुके हैं, तो इस परिस्थिति में क्या करूँ, क्योंकि अभी एक घंटा मेरा जाएगा बेकार, और स्वाध्याय करने की भी इच्छा है क्योंकि सुबह से स्वाध्याय हुआ नहीं है आज, तो इस परिस्थिति में मुझे अब क्या करना चाहिए? तो यही तो उत्तर मैंने दिया था उसमें कि आपका एक घंटे का समय आपके पास है, आप चाहें तो उसका उपयोग कर सकते हैं। बस समस्या सिर्फ इतनी सी है कि उस एक घंटे में यदि आप स्वाध्याय करने बैठे तो आपके गंदे हाथों से शास्त्र गंदे होने की संभावना है। यदि आप उसकी चिंता छोड़ दें तो आपका एक घंटे का उपयोग हो सकता है, और यदि उसकी चिंता करेंगे तो एक घंटा तो आपका बेकार चला जाएगा। तो अब आप ये डिसीजन लो कि शास्त्र की जो कीमत है, शास्त्र की कीमत मतलब जो पुस्तक की मतलब पुद्गल मटेरियल की, उसकी कीमत ज्यादा है या आपके एक घंटे का जो मनुष्य जीवन है उसकी कीमत ज्यादा है। यदि मन देखो, शास्त्र तो एक गंदा होगा, मेला होगा, फटेगा तो दूसरा छपेगा, कमी नहीं है, शास्त्र तो दूसरा भी आएगा, लेकिन आप एक घंटे का उपयोग करते हैं तो वो ज्यादा उचित है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप इसका खुद, क्यों नफा नुकसान तो हम जैसे आप दुकान कर रहे हैं, नफा नुकसान जरूर जानते हैं, तो आप इतना सा विचार करिए कि मेरा एक घंटा ज्यादा कीमती है, शास्त्र भले ही थोड़ा बहुत मेरे हाथ गंदे हैं कोई बात नहीं है, धुल जाएंगे, तो इस तरह से आप जो है उसका उपयोग करें, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है, एक घंटे का उपयोग ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए, नहीं तो ये समय तो निकल जाएगा। जैसे सांस आ रही है जा रही है, जैसे लकड़ी काटने के लिए जो आरा वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो ऐसा आगे पीछे करते हैं करवत, तो इस तरह से हाँ करवत से जैसे आगे पीछे करने से लकड़ी जो कटती है, वैसे ही हमारी जो सांसें आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है, उससे हमारी आयु रूपी लकड़ी कट रही है। तो एक एक सांस कितनी अनमोल है, वो शास्त्र जितने की, जैसे मान लो 100 रुपए का शास्त्र है तो 100 रुपए का दूसरा शास्त्र छप सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका स्वाध्याय करना ज्यादा जरूरी है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। तो इसमें ज्ञानावरणी, जैसे किसी ने कहा था कि इसमें ज्ञानावरणी दोष लगेगा आपको, आप विनय नहीं। ठीक इसका उत्तर ये है, जो विनय होती है वो अंतरंग तप है, वो बाहर से नहीं दिखती, अंदर से होती है। आपकी शास्त्र पढ़ने की रुचि ही आपकी विनय को दिखा रही है। आप शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो ये शास्त्र के प्रति राग है, ना कि द्वेष है, यानी कि आप शास्त्र के प्रति बहुमान का भाव है, आपके मन में उसको जानने की जिज्ञासा है। तो असली विनय तो ये हुई ना कि आप शास्त्र पढ़ना चाह रहे हैं, कि शास्त्र को छुए ही नहीं। भाई जैसे मान लो इस चीज को मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, तुरंत ही गले उतर जाएगा। जैसे मान लो एक बच्चा रो रहा है, छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा, अभी जैसे घुटने चलते वाले बच्चे होते हैं ना, वो रो रहा है, अब माँ खाना बना रही है और माँ के हाथ जो है गंदे हैं, किचन में काम कर रही है, जरा आटा वाटा लगाया कुछ किया है तो, या बर्तन साफ कर रही, तो हाथ मैले हैं, बच्चा रो रहा है, तो वो बच्चे को गंदे हाथों से पकड़े या ना पकड़े, बताओ क्या करे? आप सब जानते होंगे, एक माँ से पूछ के देख लो, वो गंदे हाथ होने पर भी बच्चे को चोट भी आई हो ना तो पहले उठाएगी उसको, ये नहीं सोचेगी मेरे हाथ गंदे हैं बच्चे को लगेंगे, क्या करना, उसकी कीमत कहाँ है ज्यादा हाथ। हाँ तो इसलिए देखो, शास्त्र की अवमानना नहीं माननी जाएगी वो, देखो अवमानना और मानना मतलब क्या बोलते हैं उसकी विराधना, ये दोनों हमारे मन के ऊपर है, हमारी भावना में शास्त्र के प्रति जो है उसकी आराधना रहनी चाहिए, उसके प्रति सम्मान रहना चाहिए, मन में रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने शास्त्र को सजा तो दिया उसको पढ़े ही नहीं, तो वो एक तरीके की देखा जाए तो उससे दूरी है, आपको लगाव नहीं है, अफेक्शन नहीं है शास्त्र से, वो एक चीज समझने की है ये। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि आपको बहुत क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ हो तो और क्लियर करूँ फिर बताइए आप। क्लियर तो हुआ, अभी इसमें जैसे हमारे वस्त्र
जैसे हम मल मूत्र के लिए भी जाते हैं, बहुत टाइम बाहर भी रहते हैं, तो उस वक्त में छू सकते हैं क्या शास्त्रों को? दूसरी बात ये कि हम जैसे पाठशाला वगैरह जाते हैं, तो अभी नए नए स्वाध्यायी हैं सब, हमारा बेसिक स्वाध्याय ग्रुप पूरा, तो हम जब गाड़ी पे जाते हैं तो डिक्की में अपनी जिनवाणी माँ को रख देते हैं, क्योंकि रखेगा तो उस समय में क्या वो भी दोष का कारण होगा कि नहीं? हाँ, बहुत सारी बातें हैं जो क्या है कि देश काल और परिस्थितियों पर इनके निर्णय करने पड़ते हैं। जैसे क्या है, बहुत सारे छोटी छोटी चीजें अब जिनवाणी में तो एक एक के उत्तर थोड़ी लिखे जाते हैं, वो आचार्यों ने तो हमें सूत्र दे दिया है। सूत्र ये है कि आप अपने विवेक का उपयोग करिए, नफे टोटे का विचार करिए, आपके मन में उसके प्रति क्या है, मान लो आप उसका स्वाध्याय करके, मतलब जैसे क्या है कि जहाँ पर नुकसान हो कम और लाभ हो ज्यादा तो वो काम करो, और लाभ तो हो बहुत कम और नुकसान हो ज्यादा तो वो काम मत करो। एक चीज ये है कि हाँ ठीक है, शास्त्र गंदा ना हो इस चीज का इतना ध्यान जरूर रखो कि आपके मलमूत्र के हाथ हैं तो फिर मत लगाओ। देखो ये चीज मैं आपको कहना भूल गया हूँ, अभी आपने उठाया प्रश्न तो मुझे भी ख्याल आया कि मेरा मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही एकदम छोड़ ही दो सारी अवमानना उसकी करना शुरू करो, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यदि आप ये पसीने के हाथ हैं या आप सोच रहे हैं कि ये कागज मुड़ जाएंगे, मेरी जिल्द खराब हो जाएगी, वो चीज के प्रति छोड़ दीजिए, उसकी चिंता छोड़िए, लेकिन आप इतने ज्यादा स्वच्छंदी मत बन जाइए कि फिर मलमूत्र के हाथ हैं, अभी आप शौच से आए हैं और आपने शास्त्र छू लिया, ऐसा ऐसा नहीं करो, तो फिर ज्यादा ही हो गया, ये तो फिर ज्यादा ही हो गई। एक सीमा रेखा तक ही करना है, क्योंकि वो हाथ धोए जा सकते हैं, उसका उपाय है और इसका कोई उपाय नहीं है, तो ऐसी भी चीज का विचार करना पड़ेगा ना हमको, ये चीज है। हाँ, तो इस तरह से वहां पर थोड़ी सी अपन को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, और डिक्की में शास्त्र रखते हैं और फिर गाड़ी के ऊपर बैठते हैं तो वो भी थोड़ा सा कम जमता है। वो देखो आप शास्त्र के ऊपर ही बैठ गए एक तरीके से, तो आपको क्या करना चाहिए कि वो डिक्की में रखने की बजाय आप उसको एक थैले में रखें और थैले को आगे टांग सकते हैं, तो ऐसा भी किया जा सकता है, मतलब तो ये भी ठीक है मेरे ख्याल से। या फिर उसमें रखें तो उसकी कुछ इस तरह से रखें कि किसी वस्त्र में लपेट के उसको, ताकि एक कवर करके एक पैकेट बना करके रखें, ताकि वो उसकी किसी तरह से एक आवरण आ जाए, ऐसा समझ के। कहने का मतलब हमारे मन के ऊपर है विनय होना नहीं होना, क्योंकि विनय अंदर की चीज है, बाहर की चीज तो है ही नहीं, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, मतलब देश काल परिस्थिति का निर्णय हमारे विवेक के ऊपर ले सकते हैं, ये चीज। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत ही अच्छा खुलासा किया आपने, छोटी चीजों से ही हम सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी शुरुआत होगी, क्योंकि अगर स्वाध्याय का पता ही नहीं होगा कि कैसे करना है और परिस्थितियों में करना है, तो फिर आगे चल के हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत अच्छा खुलासा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आप, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, एक बार पुनः आपको बेसिक स्वाध्याय ग्रुप की ओर से। आगे के लिए विवेक जी, सभी समय का ध्यान रखे, 3 से 4 हमें आदरणीय पंडित श्री सुमत प्रकाश जी खनिया दाना का लाभ हमें लेना है। समय ध्यान रखिए, 3 से 4 का समय है, और रात्रि में हमारी छड़ाला की क्लास आदरणीय पंडित श्री महावीर प्रसाद जी शास्त्री द्वारा नियमित चलती है, वो नियमित चलेगी 8 से 9। और अब हम जिनवाणी स्तुति करके समापन करेंगे। पंडित जी के अगर प्रवचन का सार है तो 2 लाइन में समापन हम करेंगे। पंडित जी ने बहुत अच्छे से समझाया इस चीज को कि निज कल्याण कैसे करें। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचिरज है जल मेरे की भी मछली को प्यास है, अचिरज है जल मेरे की भी मछली को प्यास है। ये हमारा आत्मा हमारे पास ही है, स्वाध्याय के माध्यम से इसको जाना जा सकता है, ऐसी उत्कृष्ट बात हमने पंडित जी साहब द्वारा सुनी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो राधे तुहु धो। सभी लोग 9 बार ओंकार मंत्र का जाप करें। परम उपकारी जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो।
सभी को जय जिने।